शहर के पुराने अड्डे के समीप बिजली की तारों में उलझकर घायल हुए 5 को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर सुनील ठाकुर की अगुवाई में वन रक्षक हितेश्वर ने 5 को पकड़कर पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचा दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद एक 5 पुराने बस अड्डे के पास अचानक बिजली की तारों में उलझकर नीचे जमीन पर आ गिरा। इससे 5 के बाएं पंख में चोट आई है। 5 को जमीन पर गिरता देख मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची। 5 को तुरंत रेस्क्यू किया गया और पशु चिकित्सालय में पहुंचाया गया। वन विभाग से डिप्टी रेंजर सुनील ठाकुर ने बताया कि घायल 5 का पशु चिकित्सालय में उपचार करवाया जा रहा है। उचित उपचार के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। और मेरे साथ सीनियर फॉरेस्ट गार्ड मेरे हितेश्वर जी भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें डीएफओ साहब के माध्यम से कॉल आई थी कि एक 5 जो है वो रोगमल्ला में सपड़ी ओल्ड बस स्टैंड के साथ कहीं घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो हम तुरंत मौके पर आए तो यहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि ये उड़ता हुआ ऊपर की तरफ से आया था और सामने की बिजली की मेन तारों से टकराता हुआ नीचे गिर गया था। इंजरी हुई है इसके लेफ्ट राइट विंग में। तो अभी इसको हम तुरंत पशु चिकित्सालय चंबा में लेके जा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जल्दी से हील कर जाए और दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में चला जाए। धन्यवाद। शहर के पुराने अड्डे के समीप बिजली की तारों में उलझकर घायल हुए 5 को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर सुनील ठाकुर की अगुवाई में वन रक्षक हितेश्वर ने 5 को पकड़कर पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचा दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद एक 5 पुराने बस अड्डे के पास अचानक बिजली की तारों में उलझकर नीचे जमीन पर आ गिरा। इससे 5 के बाएं पंख में चोट आई है। 5 को जमीन पर गिरता देख मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची। 5 को तुरंत रेस्क्यू किया गया और पशु चिकित्सालय में पहुंचाया गया। वन विभाग से डिप्टी रेंजर सुनील ठाकुर ने बताया कि घायल 5 का पशु चिकित्सालय में उपचार करवाया जा रहा है। उचित उपचार के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। और मेरे साथ सीनियर फॉरेस्ट गार्ड मेरे हितेश्वर जी भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें डीएफओ साहब के माध्यम से कॉल आई थी कि एक 5 जो है वो रोगमल्ला में सपड़ी ओल्ड बस स्टैंड के साथ कहीं घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो हम तुरंत मौके पर आए तो यहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि ये उड़ता हुआ ऊपर की तरफ से आया था और सामने की बिजली की मेन तारों से टकराता हुआ नीचे गिर गया था। इंजरी हुई है इसके लेफ्ट राइट विंग में। तो अभी इसको हम तुरंत पशु चिकित्सालय चंबा में लेके जा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जल्दी से हील कर जाए और दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में चला जाए। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्रू के रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 8218900003 या 8218900004।